पुष्पी, तूने तो कहा था कि बहुत घरेलू है, नौकरी नहीं करती। अब देखिए, तुम दोनों सास बहू ने मिलकर हमें धोखा दिया, झूठ बोला हमारे सामने। 20 साल पहले भी तूने यही किया था, हमारे घर परिवार के कायदे कानून तोड़कर तूने नौकरी कर ली थी, और 20 साल बाद भी तूने वही किया, अपनी बहू से नौकरी करवा के। आज तूने जो किया है ना, उसके बाद हम तुझसे बात तो क्या, मरते दम तक तेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। ऐसे मत कहिए बुआ जी। ए फटाका मातारी। जी जी फटाका मातारी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो देखा वो गलत देखा। मतलब ये जो 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 ये यहाँ पर ये जो है एटम बम, वो आपकी बहू है ही नहीं, ये है आपकी बहू की जुड़वा बहन करीना। जुड़वा पुष्पा? हाँ, एकदम जुड़वा बहन, कट टू कट, सेम टू सेम, डुप्लीकेट, बिल्कुल सेम जैसे दोनों। मैं भी सिर्फ बात में आई थी तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर जो बहू है वो घर पे है, ये इधर उसकी बहन है करीना। हाँ बुआ जी, हाँ ये दोनों जुड़वा बहन है, करिश्मा और करीना। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बात ही नहीं निकली ना बुआ जी, अगर बात निकली होती तो हम जरूर बताते आपको। इसमें छुपाने जैसा क्या है, है ना? छुपाने जैसा क्या है? एक घर पर, एक यहाँ सर पर। सीनियर है ना, तो सर पर ऐसा ऐसे आ रहे थे हम। तो बात यह है कि पंडित जी ने पहले हमें इन्हीं का फोटो दिखाया था लल्ला के साथ शादी करने के लिए, मगर हमने उसको चुना। जिंदगी में पहली बार इससे कोई सही काम किया है। ए लड़की, ये सच बोल रही है? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम ही करिश्मा सिंह है, यही सच्चाई है। हम पुलिस का नौकरी करते हैं और ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। ची 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 ची, क्या भाषा है इस लड़की की, ये हमारी छोटी बहू हो ही नहीं सकती है। मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया, और कहते हैं कि जब मुंह कड़वा हो जाए ना तो मुंह मीठा कर लेना चाहिए। चल पुष्पी, घर जाकर छोटी बहू से मिलते हैं, फिर अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। चल अरे अब क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर बुआ होगा। आए एक सेकेंड। नहीं मैडम, वो घर पर गई है आपसे मिलने के लिए, आप यहाँ हो, उन्हें पता चल जाएगा कि पुष्पा जी ने झूठ बोला है। यस, सब इस बोली की वजह से हुआ है। तुमको कौन जरा सा बड़ा झूठ बोलने का? हाँ छी, ऐसा बड़ा मोश बेगैरत लोग। हम आपको और झूठ बोल देती, करीना है, भरीना है, टरीना है, क्या तुमने नया लगा? चल अरे वो सब छोड़ो, उस वक्त मेरे को जो सा लगा अपनी लाइफ में जो डुप्लीकेट का स्टोरी चल रहा है वही मैंने चिपका डाला, इसके लिए बोल दिया। अभी और क्या कर देंगे? नहीं, क्या कर रही हो तुम? जाना घर पे, अभी बचा सिचुएशन संभाल। जा चाय लाना रे, बहुत काम किया आज। अरे भैया तेज चलाओ ना, कितना स्लो चला रहे हो। तुझे क्या हुआ, तू क्यों टेंशन में? हाँ हाँ, अरे कहाँ बुआ जी, कुछ नहीं। अरे एक काम करो, आप लेफ्ट से ले लो, वहां से शॉर्टकट है। हाँ शॉर्टकट है। नहीं नहीं भैया जी, वहां से मत चलना, वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बुआ जी, हमारी कमर तो गई है, आपकी भी चली जाएगी। अरे कोई बात नहीं, हम दवाई खा लेंगे। भैया आप क्या सुन रहे हो, जल्दी से चलाओ ना। एक मिनट। हम खोलते हैं, चल चल अंदर आ। बुआ जी सुनिए तो, बुआ जी रुकिए तो, बुआ जी सुनिए तो, बुआ जी सुन। क्या हुआ? यही है हमारी लाडली बहुरानी। तो यही होगी ना, घर की बहुरानी घर में ही होगी, इसमें इतना फुदकने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं बुआ जी,
बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि हम दोनों में इतना प्यार है ना आपस में कि जब भी इसे देखते ऐसी अंदर से चीख निकल आती है हमारी। क्या हुआ? अरे उठा दिया। कुछ 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 हुआ? नहीं नहीं नहीं, तुम सो जा सो जा सो जा सो जा, आइए चल उसको आराम करने दीजिए। एक मिनट, कंबल हटाओ। जी कोई गलत। हटाओ ना कंबल। अरे हटाओ ना, बुआ जी इतना कह रही तो हटाओ। जी कुछ कुछ हमसे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हमसे कुछ गलत हुआ क्या? नहीं कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। नहीं आप काफी गुस्से में लग रही हैं। तो वो करीना, करीना मिली ना थाने में इनसे, तो इसलिए इनका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है। हाँ तुमको तो पता है वो कैसी नकचड़ी है, बदतमीज है, ना बड़ा दिखती है ना छोटा, बस जबान जो है वो कैची की तरह चलाती रहती है। तो बुआ जी के सामने भी दुनिया भर का बकवास करने लगी, तो इनका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है। बुआ जी वो बचपन से ही ऐसी है, उसकी बात का बुरा मत मानिए, हम उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते, माफ कर दीजिए। देखा, एक ही घर में पली बड़ी दो लड़कियां, लेकिन कितना फर्क है। माफी तो क्यों मांगेगी, माफी तो ये मांगेगी, सो रही थी और तूने उठा दिया ना उसे बेचारी को। चल माफी मांग और बाहर आ जा। बुआ जी हम आ रहे हैं। अरे बुआ जी हाँ, क्या सुनो, क्या बदतमीजी है ये? बुआ जी खड़ी रह के बात कर रही थी ना, खड़ी होके बात नहीं कर सकती थी उनके साथ? देखिए ऐसे बात करते, ऐसे बात करते उनसे? हाँ नीचे कीजिए, बुआ जी देख लेंगे। और हाँ आप इतनी जल्दी यहाँ पहुंचे कैसे? जब पीछे आग लगती है ना तो रॉकेट फुर्क करके उड़ जाता है। आग जो आपने लगाई है और जो उस उर्मिला ने लगाई है ना, वो आग लग चुकी है और हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये जो रॉकेट उड़ा है ना कि कभी लैंड नहीं होगा जिंदगी में। टाइम ही नहीं मिला, देखो हम जूते पहन के चढ़ गए। कहाँ रह गई, जल्दी बाहर आ। हाँ बुआ जी आ रहे आ रहे हम। अरे इस झमेले का पता नहीं, यहाँ तो फंस ही चुके हैं हम। लेकिन ये मंजू, इसका हम केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरफ कैसे बैलेंस करेंगे हम? चिकिचिक सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है ब्लॉक कर दिया आपको? देखिए हम क्या क्या झेल रहे हैं आपकी वजह से, हमारी वजह से, और हम इतने सालों से जो आपको झेलते आए उसका क्या? हम हर बार हमें क्या किया आपने उर्मिला जी? आपके चक्कर में उनकी लाइफ एकदम गोलमाल की तरह हो गई है। अरे क्या रे चंतु? चंतु? चीता और संतु। देखो अभी मैं नॉन पुलिस वाली होके पुलिस वाले का एक्टिंग कर सकती है, वो भी एक नंबर। तो क्या तुम्हारी करिश्मा मैडम पुलिस वाली होके नॉन पुलिस वाले का एक्टिंग नहीं कर सकती? और वैसे भी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो अभी बोलने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। आपको पता है करिश्मा मैडम को झूठ से कितना ज्यादा नफरत है? नफरत उसको रिश्वत से भी है, फिर भी देती है ना दिन का 2000 मुझे। मुझे उस बिचारी मंजू के लिए टेंशन हो रही है, उसका तो भरोसा उठ गया होगा हमारे थाने से। उठ गया है संतो जी, सबका नंबर ब्लॉक कर दिए हो। कहाँ छुप के बैठे हो, बाहर निकलो। नहीं अगले चरण पे छोड़ दूंगा, एड्रेस बदल दूंगा, बाहर निकलो। रे महिषासुर का जीजा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रे शराब पीकर यहाँ पर आने का? निकल ले। तू वापस आ गया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। किससे बतियाना है तुमको? उनसे बात करनी है जिन्होंने मेरी माँ का केस सॉल्व नहीं किया है। एक सेकेंड, आपकी माँ का तो स्वर्गवास हो गया ना, तो फिर कौन सी माँ कौन सा केस? संतोष जी संतोष जी, कुछ दिन पहले बिल्लू की जिंदगी में माई माँ मंजू जी नहीं है, वो बिल्लू का माँ है, माँ। उस माँ का केस सॉल्व नहीं किया है। 24 घंटे दिए तुम पुलिस थाने वालों को, 24 घंटे के अंदर अंदर ये केस सॉल्व होना चाहिए।
अगर नहीं हुआ तो ये महिला पुलिस थाना फूंक डालूंगा, जला डालूंगा। बिल्लू जी, ये ही महिला पुलिस थाने में आपका बिल्लू निवास भी है, जलाओगे? तो उतना एरिया छोड़ दूंगा, बाकी जला डालूंगा। चला मैडम सर, आज मैडम सर होती तो मैडम सर ये केस सॉल्व कर देती। मैडम सर मालूम किसी को ना उम्मीद नहीं करती, मायूस नहीं करती, लेकिन आज मैडम सर नहीं है तो ये केस सॉल्व कैसे होगा? 24 घंटे दे रहा हूँ, ये केस सॉल्व होना चाहिए। अंदर जा। केस सॉल्व करो। हाँ हाँ हाँ। देखो केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं ये मेला पुलिस थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा। बिल्लू दसपाया का वादा है। कोई नहीं, ड्रामा खत्म, चलिए अंदर। बिल्लू जी, ए नाला का नेवला, इधर सुनो, क्या कर दिया तुम? इंसाफ जरूर मिलेगा बिल्लू, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर, ये हमारा वादा है। अच्छा, ये तेरी बहन? जी। क्या नाम है उसका? करीना। हाँ करीना। शादी हो गई उसकी? नहीं, वो समय नहीं है ना उसके पास, वैसे भी भरी हुई बंदूक से कौन शादी करे। वो भी तो है, समझाओ उसे, बहन है वो तेरी, गुस्से को काबू में रखे। इसी तरह से चलती रही ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। और एक तू है, कितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, सच में। वाँ 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 वाँ। जैन मैडम, जैन। ये लोग तुझे क्यों जैन बोलते हैं? तू तो, वो तो तेरी बहन को बोलना चाहिए, तू तो वर्दी में भी नहीं है। नहीं, ये बहुत सम्मान करते हैं उसका, इज्जत करते हैं उसका, बहुत तो हमें भी सम्मान दे देते हैं उसके लिए। तुझ में रब दिखता है, बहना मैं क्या करूँ। बहन जी, थोड़ा कुछ पैसा मिलेगा? किस बात के पैसे भाई साहब? यार कल आपने जो ग्लास, मेरा मतलब है कि आपके बहन ने जो ग्लास तोड़ा था, उसका जो नुकसान हुआ उसका पैसा। पर वो तो उसने तोड़ा है ना ग्लास, तो वही पैसे देगी ना, हम कहाँ पैसे दे। हाँ मांगा था ना इन्होंने, तो दिया निकाल के करा रहा। नोट? नहीं, कंटा चाट इधर। भाई क्या भाषा है इन लोगों की, पैसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इनसे। अरे तो आप दीजिए ना पैसे। अरे आप तुम जैसे नहीं हो ना, आप तो आप है, इंसाफ की आवाज है, दया का भाप है, आप हमारे माई बाप है, जल्दी जल्दी पैसे। ये लोग भिखारी से भी ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, दे देना पैसे, अपनी बहन की वजह से अपना नाम क्यों खराब कर रही है। दे दे। जी बुआ सास, जैसा आप कहें। जैन मैडम, हम सब्जियां ले लेते। हाँ जी। अरे तुम तो गोमती हो ना? सरिता, तू यहाँ? ये तो मंजू की सास गोमती है, ये एक दूसरे को जानते हैं? मम्मी कहाँ जा? चलो कुणाल, चलो बेटा। एक सेकंड, आप नहीं जा रही हैं? आप लोग खटिए यहाँ। नहीं नहीं, चलिए चलिए अंदर चलिए, आपसे बात कर लीजिए 2 मिनट, फिर जहाँ जाना है चले जाइए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मुझे अब आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। मम्मा मुझे घर छोड़कर नहीं जाना, और कोई रास्ता नहीं है कुणाल। आई एम सो सॉरी, हम ऐसे नहीं जी सकते, और वैसे भी हम इस तरह थकते थकते जी चुके हैं। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है इस तरह से आप जीते जीते थक गई हैं? हाँ भाई, हटिए आप लोग यहाँ से। मंजू, एक सेकंड, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हारी मदद करने। देखिए मैडम, बहुत देख ली आपकी मदद, नहीं चाहिए आपकी मदद, अब जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी, आप हटिए यहाँ से। एक सेकंड प्लीज, हम जानते हैं आप इस तरह से खुश नहीं रह पाएंगी, राइट? क्या फर्क पड़ता है, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मेरे और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए जो भी ठीक लगेगा वो मैं करूंगी, और वैसे भी अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है, और आप लोगों पे तो मुझे कोई भरोसा है नहीं, तो बेहतर होगा तो हट जाइए आप लोग यहाँ से। लेकिन आप नहीं, आप प्लीज, आप चलो चलो चलो, सुनिए तो सही आप। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता तेरा, कल तूने मेरी बहू को समझाया ना, उसके सर पर से नौकरी का भूत उतर गया, अब वो वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अरे बहू तो वैसी ही होनी चाहिए जो सास के आदेश को भगवान का आदेश माने। हाँ
अब देखो यहीं पर है मिसाल, ये हमारी छोटी बहू है, हम जो कुछ भी कहते हैं ना पत्थर की लकीर समझकर मान देती है। कभी मिलवाना तुम्हारी बहू को हमारी बहू से, उसे पता चल जाएगा कि बहू क्या होती है। करिश्मा नमस्ते करो। नमस्ते। ये हाँ? अरे ये तो पुलिस वाली है, इसी ने मेरी बहू को भड़काया था और इसी के भड़काने पे आके मेरी बहू पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी हम लोगों के खिलाफ, घर उजाड़न कहीं की। अरे खा गई ना धोखा तुम भी। अरे ये वो नहीं है, वो तो उसकी जुड़वा बहन है करीना, और ये हमारी संस्कारी बहू है करिश्मा। क्या बात करती है। सच में हमने पिछले जन्म में मोती दान किया होता तब हमें ऐसी बहू मिली है। हे बाप रे, ये कितना टाइम। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ये उर्मिला ना मैडम सर की बॉडी डबल है, इसको ना सिर्फ डंडा चलाना आता है, दिमाग चलाना नहीं आता। कोई बात ना, अभी जिंदा है बिल्लू द स्पाई। तुम बात सुन लो, दो मिनट देखो प्लीज, हमारी बात मानो। इस तरह से भाग जाना कौन सा तरीका है? हाँ। भागना तो सिर्फ एक कायरता की निशानी है ना, घर से चले जाओगी क्या हो जाएगा। देखे इन फायदों की अब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मेरी सास ये डिसाइड कर चुकी है कि मेरे हस्बैंड जाएंगे सब्जी मार्केट लेने, और वैसे भी उससे पहले कि मैं जाऊं मैं चाहती हूं मेरे हस्बैंड लौट आए। नहीं 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 नहीं, थम थम थम, तू पहले ये बूझो तो जाने। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातों का कोई फायदा नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जा रही हैं, आपके हस्बैंड जो है बाहर काम से गए हैं और आपकी सास जो है बाहर सब्जी ले रही है, उनके लौटने से पहले आप घर छोड़ के भागना चाहती, ये आपके कहने का मतलब है? देवा हाँ हाँ, इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिलो द स्पाई ऑन मिशन। अभी मुझे जाने दीजिए। अरे रुको 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 रुको, आप एटलीस्ट एक मौका तो दो हमें आपकी मदद करने का। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं आप प्लीज मौका दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, भरोसा कीजिए पुलिस पे। पिज्जा डिलीवर करने आए इधर। तो आप पुलिस से तो चोर को पकड़ी ना, मेरा बैग लेके भाग गए। हां हां पकड़ पकड़ कर चल। चोर 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 चोर। अच्छा अच्छा चोर। ओह अरे रुको रुको चोर। सत्तू जी ठीक तो है ना? क्या अरे एकदम ठीक है, थैंक यू रे। अरे ये तो आपके थाने का चोर है ना। देखिए आप लोग ना बहुत गलत कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ना ये कंप्लेन ऊपर से जाके कमिश्नर करूंगी। अरे क्या बोल रही है, कंप्लेन ऊपर जाके कमिश्नर कर दूंगी। इनके कहने का मतलब है कि कमिश्नर के पास जाएंगे और एक एक की कंप्लेन करेंगी, राइट? हाँ सॉरी, ठीक है मुझे नहीं चाहिए मेरा बैग, मैं जा रही हूँ। कब से सुन रही मैं तेरा पिटर 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 पिटर, एक ही जगह रिकॉर्ड कट गया, जाने का है जाने का है जाने का है, अभी इधर बिठाया है अभी इधर, चुपचाप बैठने का, मुंह से एक भी आवाज निकली ना तो कान ना खाएगा। मैडम सर तो बस चुपचाप बैठो इधर। ए टकले हथकड़ी लेकर आ, मत लाओ हथकड़ी बिलो। अरे गम बस आराम आराम आराम, ये लो लाओ रे। आप क्या कर रहे हैं? हथकड़ी क्यों लगा दी आप लोगों ने? आप लोग मेरे साथ ऐसा। अरे मैडम सर मैडम सर, क्या कर रही हो तुम? ये फरियादी है, मुजरिम नहीं है, इसे ऐसे बांध कर नहीं रख सकते। अरे ये फरियादी नहीं है, ये बर्बादी है। अरे इसे कब तक यहाँ ऐसे रखेंगे, जिंदगी भर? चुप जा, सोचने दे मेरे को। आप लोग ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए मुझे। अरे क्या रे, बोला ना तेरे को एक बार चुप बैठने का तो चुप बैठने का फिर। ए चिकने चीता चतुर्वेदी चीता, इसके सास और इसके पति को बुलाइए थाने अभी इमीडिएटली। हाँ ठीक है ठीक है। आप कर क्या रही हैं, करना क्या चाहती हैं? जी वो क्या है ना कि सूर्योदय से पहले हम उठ जाते हैं, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, फिर हम रसोई में चले जाते हैं घर वालों के लिए खान पान, फिर इतने में शाम की संधन पूजा का वक्त हो जाता है ना, तो समय ही नहीं मिलता है हमें। वाह कितनी संस्कारी बहू है तेरी, और एक मेरी वाली है,
उसके सिर पे तो नौकरी का भूत सवार है। अरे एक औरत का जीवन बना हुआ है घर परिवार संभालने के लिए, वो नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़ी रहती है। वही तो, एक बार बहू ने घर से बाहर कदम रखा नहीं तो समझो के हाथ से निकली। एकदम सही कहा। तो हेलो जी, गोमती जी बोल रही हैं? हाँ बोल रहे हैं, आप कौन? जी हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। अम्मा अम्मा एक मिनट, फिर कर दी गड़बड़। हेलो, हाँ क्या हुआ? सबकी बोलती बंद करके रख दी आपकी लाडली उर्मिला ने। पता है आपको क्या हुआ? यहाँ पे बेचारी मंजू को वो धोखे से यहाँ लेकर आई है। क्या? हथकड़ी लगाकर कुर्सी से बांधकर बिठा के रखा है बेचारी को। ऐसा किया का है उसने? किसी को पता भी होता है उसके खुराफती दिमाग में क्या शैतानी चल रही है? पता नहीं क्या सोचकर ऐसी उठपटांग सी चीजें कर रही है वो। सुनिए, इससे पहले कि वो और कुछ नया बवंडर खड़ा कर दे, आप जल्दी से थाने आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे पुलिस थाने में चली गई है मंजू। चल हम भी चलते हैं तेरे साथ थाने। हाँ हाँ चल चल, शायद तेरे समझाने से फिर से वो समझ जाए। अभी उर्मिला ने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, ये लोग भी थाने जा रहे हैं, अब क्या करें हम? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.